नमस्कार प्रणाम, मैं हूं पप्पू प्रीतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवराज स्टूडियो। तो जैसा कि हम आपको मुलाकात करवाए थे काबिल आदमी से, ये गांव के काबिल आदमी से, तो चलिए आज हम आपको मुलाकात करवाए हैं काबिल के चचा आदमी से, यानी वो काबिल के भी चचा हैं। आप समझ ही रहे होंगे, ये काबिल होते हैं वो काबिलों के चचा हैं। तो चलिए हम आपको मुलाकात करवाते हैं काबिल के चचा से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं काबिल के चचा के पास। तो चलिए हम आपको मुलाकात करवाते हैं काबिल के चचा आदमी से, यानी काबिलों के काबिल हैं, समझ ही रहे होंगे, काबिल के चचा हैं ये। तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपना दर्शकों को परिचय बताइएगा। जी, हमारा नाम राजकुमार आधे हुआ और आप लोग जानबे करते हैं कि सब काम हमारा आधे आधे हुआ। अच्छा, इसीलिए हमारा नाम राजकुमार आधे हुआ। नाम है जी। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी। जी जी, आपसे हम, आप तो काबिलों के काबिल हैं, यानी काबिल के चाचा हैं। जी जी, उससे घूरने से तो पूर्ण होंगे एकदम। दो चार गो अगर हम सवाल पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा। पूछिए महाराज। अच्छा, तो ये बताइए कि पाप के सजा मिलने का अर्थ क्या होता है? साहब, इतना बड़ा क्वेश्चन आप हमसे करिए, बताइए। अरे, पाप का अर्थ ये होता है शादी करना। ओह नो। कैसे? वो आदमी से जाके पूछिए जो आदमी के शादी हो गया है। अच्छा, वो बेचारा कितना टेंशन में है से वह जानता है, कहता है कि हमारा कौन पाप कर ली भैया कि हमारा शादी हो गया। यानी पास के सजा मिलने का अर्थ होता है शादी करना। हाँ हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि दर्शकों का कहना है, शादी करोगे क्या भैया? बात सही कही थी ना, करे ला तो हम नहीं, ना कर रहे कि आप मत कीजिए। अच्छा, लेकिन जो आदमी का हो गया है जरा उससे क्वेश्चन में पूछिए आपको क्या कहेगा। वो कहेगा कि सबसे बड़ा पाप किए भैया जो हमारा शादी हो गया। एक बात सुने हैं कि जब कोई भी चीज़ के जब फुदपक बीतता है तो उसको ज्यादा उस चीज़ का एहसास होता है। हाँ हाँ, लगता है आपका शादी भी हो गया है ना। हाँ, हमारा शादी हो गया है तो आपको बहुत अच्छा सा मालूम है ना। हाँ, खूब अच्छा सा मालूम है, इसीलिए आप बता रहे हैं कि शादी करना है ना। जी जी, यानी दूसरा को नहीं कर रहे ना। हम कह रहे हैं कि दूसरा को ना करें। अच्छा, करिए, अनुभव कीजिए, सत्य पहचानिए, समझ में आएगा, यानी दूसरा कराए दे रहे कर। हाँ, हम बर्बाद हो गए कि तुम बर्बाद। हाँ, हो गए। देखिए भैया। अच्छा, उपदेश जो बना है दूसरे के लिए बना है। अच्छी बात के मालूम है कि नहीं? नहीं, तो मालूम है कि उपदेश दूसरे के लिए बना है। खुद खाएगा कहेगा भैया मत खाना। अच्छा, समझे कि नहीं? हाँ। यह सब बात है आपका, तो हम तो कहेंगे भैया कि करिए, खुद अनुभव देख लीजिए कैसा है। अरे हम तो डूबे की हम कहना दूसरा का सजेशन दे देंगे, अपना खुद समझेंगे लोग। तो बड़ी बढ़िया क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। तो भाई लोग सोच समझ के अपना शादी ब्याह करिएगा। ये तो भाई समझाने से भी इनकार कर रहे हैं कि शायद वो हम दूसरा के ना कहेंगे जी कि शादी नहीं कीजिए, काहे कहेंगे? आप यह समझिए कि आप खुद खैनी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन क्या कहते हैं बाबू खैनी मत खाना, ठीक है? तो आप काहे खाते हैं? तो हम कर लिए तो हम तो भाई सजेशन दे रहे हैं, अब करना ना करना तो अपना हाथ में है, समझे? आप करेंगे कि ना करेंगे? बात सही कर रहे हैं। अच्छा, आपसे हम दूसरा सवाल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जी जी, करिए। शादी आधी घर वाली होती है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? अरे महाराज जी, गिफ्ट खाली वो दिखावल जाता है ऑफर में। अच्छा, ठीक है कि ना? ऑफर में दिखा, लेकिन कहीं ना नसीब ना होगा। या ऐसा एक योजना है कि खाली ऑफर दिखाया जाता है, ऑफर दिखा के बंद। अच्छा, आपका साली है कि नहीं है? ना ना, हमारा तो साली नहीं है। नहीं है? अगल बगल के क्या, यानी आपको नहीं मिला है गिफ्ट? ना, हमारा ना मिला है। ना मिला, इसीलिए तो मतलब खरीद अति कर रहे हैं। ना ना, अनुभव बता रहे हैं। अच्छा, आपको तो जो मिलो नहीं तो कैसे अनुभव होगा? अरे महाराज, जो जैसे कहे का मतलब है कि जेकर घर में गाय नहीं रहता दूध नहीं खाता है। यानी मजा ले रहे हैं? मजा ले नहीं रहे, मैंने कह रहे हैं अगल बगल से है ना। अगल बगल से ना, अगल बगल से क्या लेंगे, अपना है ही नहीं तो फिर अपना नहीं है तो फिर अपना नहीं है तो सपना नहीं है। यानी साली आधी घर वाली होती है, ये खाली एगो ऑफर है भैया, लेकिन मिलेगा नहीं, समझ जाइए। इधर दस लोग थोड़ा सा समझाइए। हाँ, बात सही है, बात सही है। हाँ, वो अनुभव करें, शादी करेंगे तो देखबे करेंगे, शादी करेंगे तो देखबे करेंगे ना भैया। इन करण नियम बर्बाद हो गया, ओकर बाद फिर देख लिया है तो बिना शादी कर ले तो ना मिलता। वह
शादी कर लिया ओकर बाद अनुभव हो जाता बा। अच्छा चाचा जी आपसे एगो और क्वेश्चन हमको करना चाह रहे हैं। गलती करके पछताना एक अर्थ का होता है महाराज? गलती करके पछताना अपना शादी का फोटुआ देखना होता है। वो कैसे? वो ऐसे होता है महाराज जब जब फोटोया के देखिएगा ना सदिया वाला अच्छा। तब तक याद आ जाएगा कि हम का थे अच्छा। और का हो गए, हम हीरो थे और जीरो हो गए आज। अच्छा याद आता है ना, एकदम आ जाएगा पहले का बतिया याद आता है। हाँ हाँ आगे करेगा पूरा याद आता होगा। हाँ हाँ तब कैसा लगता होगा जी? तब तो लगता है कि का कहें दिल्ली दूर लगता है। अच्छा हो गया सर, हो गया सर तो हो गया दुश्मनी निभाने का अर्थ का होता है? अरे महाराज अरे दोस्त के शादी करवा देना। अच्छा वो कैसे महाराज? यो ना पता है, यो ना हाल मोरा बा, वो हाल तोरा बा। अच्छा तब ना समझ में आएगा अच्छा। कि जो विपद में हम गुजर रहे हैं विपद में वो गुजरेगा तब ना समझ में आएगा। इसका दोस्त का शादी करवा दीजिए। हाँ सबसे बड़ा दुश्मनी। हाँ 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 एक तो बड़ा क्या कोई दुश्मनी नहीं भैया, कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं। अपन दोस्तों से शादी करवाए हैं कि नहीं? ना अभी तक तो ना करवाए हैं लेकिन सोच रहे हैं दो के लिए। हाँ हो जाए तो अच्छे है ना। हम तो जाएंगे सर, हम तुमको भी ले। हाँ हाँ ये तो होनी है, होने है। हाँ होना है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाह रहे हैं चाचा जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये बताइए कि लव मैरिज करने का अर्थ क्या होता है? लड़ने के लिए खुद का जोड़ीदार ढूंढना। अच्छा वो कैसे? वो आई से है? अच्छा कह रहा हमने सबके तो माँ बाप शादी करवा दिया है अरेंज मैरिज। भाई कुछ तो अरेंज होवे करता है अच्छा। लेकिन लव मैरिज में अरेंज ना होता है भैया। अच्छा तो सीधे बस एक बार फाइनल होता है। फाइनल होता हाँ बस फाइनल। अच्छा दोनों में कौन बढ़िया है? अरे हम तो कहेंगे अरेंज मैरिज बढ़िया है। अच्छा लव मैरिज से बढ़िया है? हाँ है तो बढ़िया हमारे लिए, बाकी अब तो जो लव करते हैं। अच्छा वो कैसे होता है कि अरेंज मैरिज में बढ़िया है? देखिए अरेंज मैरिज तो हमारे हिसाब से तो ठीक है कि भाई अरेंज अरेंजर रहता है लेकिन लव मैरिज तो भैया झगड़ा किए तो मैनेज हो गया। मैनेज हो गया लेकिन ओकरा मैरिज बड़ी कम होता है ऐसे देखे। लव मैरिज में ना होता है? मैनेज होता है बड़ी कम हम देखे को मिलता है। अच्छा वो कैसे? तू बस बात बढ़ गया तो बढ़ गया, कोटे में शुरू हुआ कोटे कोटे से खत्म। यानी कोटे में शुरू हुआ कोटे से खत्म। हाँ का आप बोला मैरिज कहते हैं आओ कैसे के हिसाब से ऐसे खत्म कर लूँगा ना। तो बहुत बढ़िया चाचा जी। जी जी आपका जवाब सुन के मन खुश हो गया। जी जी ठीक है। अब हमरो भी सोचे पड़ा कि भाई करें कि ना करें, करवावे कि ना करवावे। ना ना कर लीजिएगा, हम थोड़ी करें कि ना कीजिएगा, ऐसा हम कुछ ना कहें। अच्छा तो हम अपना राय दिए हैं, अच्छा लगे तो आई रखिए, अगर खराब लगे तो उसको निकाल दीजिए। अभी हम लोग काबिलों के चाचा आदमी से मिले, जिससे मिलते तो बहुत बढ़िया लगा। उस समय मिले थे काबिल आदमी से, अभी काबिल के चाचा है, इनसे मिल के मन खुश हो गया है। तो थोड़ा सा दर्शकों को आप हमारे बारे में कुछ स्टूडियो के बारे में बताना चाहिएगा? हाँ हाँ काहे नहीं बताना चाहेंगे, बोलिए। देखिए देवराज स्टूडियो है, इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और जल्दी चलती कुछ हो तो उसको ना। ना चाचा जी आपके आपका जवाब सुन के लोग खुश हो गया था। तो ठीक है लेकिन भाई कह रहे कि गलती चलती अगर कुछ हो तो उसको थोड़ा मेहनत कीजिए, माफ़ कीजिए और इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए चाचा जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, टाइम मिलेगा तो फिर हम आपसे एक बार मुलाकात करेंगे। हाँ इंटरटेनमेंट का चीज़ है, इसको इंटरटेनमेंट में लीजिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। इसको इंटरटेनमेंट पर हाँ इंटरटेनमेंट आप करिए ना करिए तो आपके निर्णय पर डिपेंड करता है ना। चलिए तो भैया अपना अपना दिमाग ला सोच समझ के कोई कदम उठाइएगा भैया, कि तो न्यूट्रल हो गए हैं अपना से सोच समझ के कदम उठाना है। तो ठीक है चाचा जी हम चलते हैं। ठीक ठीक है। नमस्कार नमस्कार।